हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्की, आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेन यात्रा पर। आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 12554 नई दिल्ली से खुलकर सहरसा को जाने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जाती है वाया एस बाग, गोरखपुर, बरौनी के रास्ते सहरसा को। तो जानेंगे इनकी सारी जानकारी, इसके हॉल्ट के बारे में। तो बने रहेगा इस वीडियो में, मिलता हूं छोटे से इंट्रो के बाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, 12554 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन की देखरेख ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन करती है। स्टार्ट किया गया था इस ट्रेन को 1 नवंबर 1973 को और एक डेली ट्रेन है। ये ट्रेन नई दिल्ली से डेली खुलती है सहरसा के लिए। 1288 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस ये ट्रेन अपने 24 घंटे 40 मिनट पूरा करती है। इसके नई दिल्ली से लेकर सहरसा तक 24 हॉल्ट आते हैं। 52 किलोमीटर पर आवर्स की एवरेज स्पीड रहती है। रूट के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन नई दिल्ली से खुलकर कानपुर सेंट्रल, एस बाग, गोंडा जंक्शन, गोरखपुर, छपरा जंक्शन, समस्तीपुर के रास्ते बरौनी होते हुए ये ट्रेन जाती है दोस्तों खगड़िया होते हुए मानसी होते हुए सहरसा तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है इस रूट पर चलने वाले पैसेंजरों के लिए। पेंटी कार की सुविधा आपको ट्रेन में पूरी मिलेगी। इस ट्रेन में खुद का पेंटी कार का कोच भी है तो आपको खाने पीने की पूरी सुविधा मिलेगी। वहीं आपको इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग, मतलब जो ट्रेन में खाना बेचते हैं वेंडर जो IRCTC की तरफ से होते हैं, उनकी सुविधा आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। वहीं आपको अगर आप बाहर से खाना मंगाना है IRCTC की वेबसाइट या उनके और भी साइट से खाना मंगाना है तो ई कैटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। लोकोमोटिव की बात करूं तो इस वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में नई दिल्ली से लेकर सहरसा तक कानपुर सेट का WAP7 लोकोमोटिव यूज होता है, इलेक्ट्रिक वाला। अब बात करते हैं वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। इसका कितना किराया है नई दिल्ली से सहरसा तक का, कौन कौन से कोचेस है इसके अंदर। दोस्तों, इस ट्रेन में मिलेंगे आपको LHB रेक का फर्स्ट AC क्लास का 2 डब्बा, जिसका किराया है 3720 रुपये पर पर्सन नई दिल्ली से सहरसा। वहीं इस ट्रेन में आपको मिलेंगे सेकेंड AC क्लास का 2 डब्बा, जिसका किराया है 2175 रुपये पर पर्सन नई दिल्ली से सहरसा। वहीं आपको इस ट्रेन में थर्ड AC क्लास के डब्बे मिलेंगे 3, जिसका किराया है 1505 रुपये पर पर्सन नई दिल्ली से सहरसा। इस ट्रेन में आपको सुपरफास्ट चार्जेस भी देने पड़ते हैं जो इसकी किराए में इंक्लूड हैं। वहीं स्लीपर के डब्बे हैं 9, जिसका किराया है 570 रुपये पर पर्सन, 570 रुपये पर पर्सन नई दिल्ली से सहरसा। वहीं जनरल के डब्बे हैं 3, जिसका किराया है 314 रुपये पर पर्सन। दोस्तों, इन इस किराए में ऊपर नीचे हो सकता है तो कृपया इसको दोबारा कंफर्म कर लें रेलवे की वेबसाइट या उनके टिकट काउंटर पे। अब बात करते हैं वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल, रूट, हॉल्ट के बारे में। कब नई दिल्ली से खुलती है, कब सहरसा पहुँचती है। ये ट्रेन नई दिल्ली से प्रतिदिन डेली शाम को 7:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 से रवाना होती है सहरसा के लिए। अभी पहुंचती है गाजियाबाद जंक्शन रात में 8:42 पर। गाजियाबाद में 2 मिनट का हॉल्ट है। रात में 8:44 पर यहां से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अभी पहुंचती है अलीगढ़ जंक्शन रात में 10:06 पर। अलीगढ़ में 2 मिनट का हॉल्ट है। रात में 10:08 पर यहां से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से सहरसा के लिए। अभी पहुंचती टुंडला जंक्शन रात में 11:16 पर। टुंडला में 2 मिनट का हॉल्ट है। रात में 11:18 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अभी पहुँचती इटावा जंक्शन रात में 12:15 पर। इटावा में 2 मिनट का हॉल्ट है। रात में 12:17 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अभी पहुँचती कानपुर सेंट्रल रात में 2:20 पर। कानपुर में 5 मिनट का हॉल्ट है। रात में 2:25 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से सहरसा के लिए। अब वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुँचती है एस बाग सुबह में 3:47 पर। एस बाग में 10 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 3:57 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अभी पहुँचती बादशाह नगर सुबह में 4:14 पर। बादशाह नगर में 3 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 4:17 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सहरसा के लिए। अभी पहुँचती बाराबंकी जंक्शन सुबह में 4:53 पर। बाराबंकी में 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 4:55 पर बाराबंकी से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 से। दोस्तों, अभी पहुँचती गोंडा जंक्शन सुबह में 6:10 पर। गोंडा में 5 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 6:15 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुँचती है दोस्तों वह है बस्ती रेलवे स्टेशन। सुबह में 7:30 बस्ती पहुँचती है और 3 मिनट रुकने के बाद सुबह में 7:33 पे यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अभी पहुँचती खलीलाबाद
सुबह में 7:59 पर खलीलाबाद में 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 8:01 पर यहाँ से रवाना होती है सहरसा के लिए। अब इस ट्रेन का अगला स्टेशन वो है गोरखपुर जंक्शन। सुबह में 8:55 पर गोरखपुर पहुँचती है। 15 मिनट रुकने के बाद सुबह में 9:10 पर गोरखपुर के प्लेटफॉर्म में 2 से रवाना होती है। अभी पहुँचती है देवरिया सदर। सुबह में 9:53 पर देवरिया सदर में 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 9:55 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म में 3 से। दोस्तों अभी पहुँचती सिवान जंक्शन। सुबह में 11:00 सिवान में 5 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 11:05 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सहरसा के लिए। अभी पहुँचती छपरा जंक्शन। दोपहर में 12:20 पर छपरा में 5 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 12:25 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 से। दोस्तों अभी पहुँचती सोनपुर जंक्शन। दोपहर में 1:30 सोनपुर में 2 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 1:32 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अभी पहुँचती हाजीपुर जंक्शन। यहाँ पे केले बहुत मस्त हैं, खाए जरूर होगा आपने। दोपहर में 1:45 पर यहाँ पहुँचती है। 5 मिनट रुकने के बाद दोपहर में 1:50 पर हाजीपुर के प्लेटफॉर्म 4 से रवाना होती है सहरसा के लिए। अभी पहुँचती मुजफ्फरपुर जंक्शन। दोपहर में 2:50 पर मुजफ्फरपुर में 5 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 2:55 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। दोस्तों अभी पहुँचती समस्तीपुर जंक्शन। शाम को 3:45 पर समस्तीपुर में 5 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 3:50 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से सहरसा के लिए। दोस्तों अभी पहुँचती दलसिंह सराय। शाम को 4:18 पर दलसिंह सराय में 2 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 4:20 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुँचती है बरौनी जंक्शन। शाम को 5:15 पर पहले ट्रेन यहीं ख़त्म होती थी, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ती है और शाम को 5:25 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 6 से। अभी पहुँचती है बेगूसराय। शाम को 5:52 पर बेगूसराय में 2 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 5:54 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सहरसा के लिए। अभी पहुँचती है खगड़िया जंक्शन। शाम को 6:48 पर खगड़िया में 2 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 6:50 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सहरसा जंक्शन के लिए। दोस्तों अब वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुँचती है मानसी जंक्शन। शाम को 7:10 पर मानसी में 2 मिनट का हॉल्ट है। शाम को 7:12 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सहरसा के लिए। अब नई दिल्ली सहरसा वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने डेस्टेशन पहुँचती सहरसा जंक्शन। रात में 8:10 पर पहुँचती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगती है अपनी 1288 किलोमीटर दूरी तय करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए।